नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। रूस में एक मशहूर पॉप सिंगर और रैपर की उनकी पत्नी ने जिस बहरहमी से हत्या की उसे जानकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एंडी कार्टवाइट की पत्नी मरीना ने उनकी हत्या की, शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर वॉशिंग मशीन में उनके अंग डालकर धो भी दिए। मरीना ने दावा किया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रग ओवरडोज से एंडी की मौत हो गई थी, जबकि रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि एंडी के शरीर में ड्रग्स मिले ही नहीं हैं। मरीना का कहना है कि वह नहीं चाहती कि उनके फैंस को पता चले कि एंडी की मौत ऐसे हुई है। उन्होंने बताया है कि 4 दिन तक एंडी के शरीर के टुकड़े किए और अलग अलग टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में करके फ्रिज में रख दिया। बाद में उन टुकड़ों को वापस सिला और नमक छिड़क दिया। मरीना ने इसके लिए चाकू और हथौड़े जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने अपार्टमेंट में धोया। दोनों का 2 साल का बच्चा भी उस वक्त घर में ही था। रूस की पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं अखबार कॉमसोमल्स्क्या प्रावता के मुताबिक रैपर के शरीर से ड्रग्स नहीं मिले हैं। एंडी के दोस्त का भी कहना है कि वह शराब पीते थे लेकिन ड्रग्स नहीं लेते थे, जबकि मरीना का कहना है कि उन्हें एंडी के शव के पास सिरिंज मिली थी। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मरीना की मां ने इसमें उनकी मदद भी की। हालांकि मरीना की वकील ने इस बात का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने वॉशिंग मशीन में शरीर के अंग धोए जाने को भी गलत जानकारी बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।